60 गज का फ्लोर है, कार पार्किंग के साथ में है, रेंज भी अच्छी है। अगर आपको समझ में आए, 25 फीट की रोड के ऊपर पड़ेगा। वैसे बालकनी इसको 8 फीट को फेस करेगी। दिव्या रोहिणी के अंदर है, रिठारा से मात्र 2.5 किलोमीटर। आपको ये प्रॉपर्टी दिखाता हूँ मैं, चलो लेट्स हैव अ लुक। गाइस ये पार्किंग एरिया है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर फ्लोर 60 गज वाला, 60 गज का फ्लोर दिखाएंगे। ये देखिए लिफ्ट कार पार्किंग का प्रॉपर स्पेस है और इस रेंज में आपको 60 गज नहीं मिलेगा। बाकी चलो आपको वीडियो दिखाते हैं, लास्ट तक आप वीडियो को देखना। यहाँ से स्टेज जा रही है और यहाँ पे है लिफ्ट, काम चल रहा है, थोड़ा बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेट्स गो। गाइस 60 गज का फ्लोर विद लिफ्ट एंड कार पार्किंग, बहुत प्यारी रेंज है। लास्ट तक वीडियो में बने रहो आप, और अगर आप नए हो चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके बजट में कोई आपको प्रॉपर्टी मिल जाए। ये देखिए ये पैसेज आ गया, उधर की तरफ में 90 गज का है, इधर की तरफ में 60 गज का है। टोटल 150 गज का प्लॉट है विद लिफ्ट एंड कार पार्किंग के साथ में है। यहाँ पर लिफ्ट लग रही है, बढ़िया चीज़ है। अगर आप स्पेस देखोगे, स्पेस अच्छा खासा है, फॉल सीलिंग वगैरह का काम है, पूरा टेक्सचर का वॉल के ऊपर काम है, एसी की फिटिंग्स है, नीचे टाइल्स वगैरह का काम किया हुआ है, सामने एसी की फिटिंग है, देखिए आप पूरा फॉल सीलिंग वगैरह, और ये आपकी डोर की क्वालिटी इस टाइप से। तो अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, डोर को कर देते हैं बंद। तो सामने अगर आप देखोगे उस साइड में आपकी किचन आ जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए एक प्यारा सा वॉशरूम, ऊपर तक वॉल्स वगैरह में टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाती है इसकी किचन। किचन में भी एक अच्छा खासा काम किया हुआ है, एक प्रॉपर वेंटिलेशन है, टॉप वगैरह बढ़िया दिए हुए हैं, ग्रे वगैरह का काम है पूरा, ग्रे देखिए माइका वगैरह लगी हुई है, टैप्स वगैरह यहाँ पर लगेंगे आपके। तो ये आपकी किचन हो गई, और यहाँ से देखें तो ये आपका ड्राइंग, तो यहाँ पे आपका कॉमन वॉशरूम आ गया था जैसा हमने आपको बताया। इसके बाद एक रूम उधर है, एक रूम यहाँ पे है। तो पहले हम चल लेते हैं इस वाले रूम की तरफ। ये देखिए ऊपर पूरा फॉल सीलिंग का काम, आपका एक अलमीरा भी बना हुआ है इसमें। रूम का साइज अच्छा खासा साइज है, अगर मैं साइज की बात करूँ 2, 4, 6, 8, 10 और 11 11x10 का ये रूम है। ये देखिए पूरा आपका टीवी पैनल भी इसमें एक छोटा सा बनाया हुआ है, नीचे आपका पूरा काम किया हुआ है। देखिए एसी वगैरह की फिटिंग से एक प्रॉपर बढ़िया पेंट किया हुआ है, वेंटिलेशन के लिए आपको शाफ्ट भी दे रखी है। इसके बाद हम चलते हैं इसके दूसरे रूम की तरफ। ये आपका ड्रॉइंग एरिया आ गया, यहाँ पर सामने इधर किचन आ गई, एक वॉशरूम यहाँ पर आ गया, ये देख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं इस वाले कमरे की तरफ, ये आपका नेक्स्ट रूम। टोटल 2 रूम हो गए, ये देखिए विंडो आ गई, वहाँ पे विंडो है, और एक अलमीरा आपको इसमें भी बना के दी जा रही है। ये देखिए रूम का साइज, इसका साइज भी 10x11 के आसपास रूम का साइज है। रूम्स का साइज ऑब्वियसली नॉट बैड, अच्छा खासा साइज है। और अगर हम वहाँ देखें तो आपको मिलती है एक बालकनी, ये देखिए यहाँ पे पूरा आपका, और आपको यहाँ मिलती है ये आसपास 10 फीट की गली, ये देखिए जो यहाँ से आ रही है ये 10 फीट की गली रहेगी इधर की तरफ में भी। ये एक्चुअली क्या है कि बैक साइड का फ्लोर है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना अगर किसी को इस टाइप के फ्लैट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये रेट में थोड़ा सस्ता है, इसी वजह से आपको ये सस्ता फ्लोर मिल रहा है। अदरवाइज 60 गज लिफ्ट कार पार्किंग में आपको 38-40 की रेंज में एटलीस्ट कम से कम मिलेगा, 35 तो मिनिमम मान के चलिए। लेकिन अभी मैं आपको इस फ्लोर का रेट बताता हूँ।